आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। मैं बात कर रहा हूँ एक सिंगर का, एक एक्टर का, एक होस्ट का और एक पॉलिटिशियन का, जो बिहार और भोजपुरी का सम्मान न सिर्फ देश में बढ़ाया बल्कि पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। मैं बात करने जा रहा हूँ मनोज तिवारी जी के बारे में। चलिए मैं उनके जीवन के इस जर्नी के बारे में बताता हूँ। उनका जन्म बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अतरवलिया गांव में 1971 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता का नाम ललिता देवी और चंद्रदेव तिवारी था। इनके 6 संतान थे और उनमें से मनोज तिवारी एक थे। वह ऊंची जाति से थे पर उनका बचपन गरीबी में ही बीता। बचपन में ही उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुआ और वो हायर स्टडीज के लिए वो पास के शहर बनारस चले गए और वहां वो BHU में सोशियोलॉजी से बैचलर और फिजिकल एजुकेशन से मास्टर किया। उनका संगीत में बचपन से ही लगाव था और वह रामलीला में बचपन में चौपाइयाँ पढ़ा करते थे। बनारस आने के बाद भी यह पैशन उनके साथ बना रहा। संगीत के साथ साथ उनका रुचि क्रिकेट में भी था और वह कॉलेज के दिनों में BHU क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हुआ करते थे। कॉलेज के बाद वह 10 सालों तक भोजपुरी में लोकगीत गायक रहे और इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई। वह अपने सिंगिंग कैरियर से काफ़ी खुश थे। अपने शानदार सिंगिंग और साफ सुथरी छवि के कारण वह बिहार और आसपास के राज्यों में काफ़ी प्रचलित थे। उनके बहुत सारे गाने समाज सुधार पर भी आधारित हैं। इसी छवि को देखते हुए एक डायरेक्टर ने उनको मूवी में ऑफर दिया पर मनोज ने इसे ना कह दिया, पर वह डायरेक्टर हार नहीं माना और अंत में मनोज ने हाँ कह दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि उनकी पहली मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यह मूवी 2003 में आया था जिसका नाम ससुरा बड़ा पैसा वाला था। द हिंदू के अनुसार इस मूवी की लागत 35 से 40 लाख थी और इसकी कमाई 450 लाख था, यानी कि 4,50,00,000। अगर इस तरह देखा जाए तो यह मूवी 13 गुना ज़्यादा फायदा दिया और इस सफलता के बाद वह कभी पीछे नहीं देखे और बैक टू बैक बहुत सारे हिट मूवीज दिए और एक मिथ्या को भी तोड़ा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना वल्गारिटी के कोई फिल्म सफल नहीं हो सकती। और इस तरह यह मूवी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। BBC ने 2005 में यह बोला था कि मनोज एक फिल्म करने के लिए 50 लाख तक लेते हैं। मनोज तिवारी को भोजपुरी इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन भी कहते हैं क्योंकि उनको भोजपुरी भाषा पर बहुत कमांड है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मनोज तिवारी ने 2009 में गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के सीट से MP का चुनाव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा था और वह इसमें बुरी तरह हार गए थे। फिर 2010 में वह बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट आए, बट मनोज के व्यवहार के कारण उनकी वाइफ उससे बहुत खफा थी क्योंकि ऐसी अफवाहें थी कि उनके और श्वेता तिवारी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और इसी के साथ उनके पारिवारिक परेशानियाँ बढ़ने लगी और 2011 में उनकी वाइफ ने डिवोर्स की अर्जी डाल दी और 2012 में उनका तलाक हो गया। इसी उथल पुथल में वह अपने को बिजी रखने के लिए बहुत सारे समाज सेवा और आंदोलन में शामिल हुए, जैसे कि अन्ना हजारे के साथ और रामदेव जी के साथ, और साल के अंत तक ऑफिशियली BJP को ज्वाइन कर लिया और उनको इसका फायदा भी हुआ। वो 2014 में BJP की सीट से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से MP बने। आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं कि वह माँ मुंडेश्वरी, जो कि उनके होम टाउन डिस्ट्रिक्ट में है, को वो बहुत मानते हैं। अगर आपको उनके फैमिली के बारे में बताएं तो उनकी बेटी और एक्स वाइफ मुंबई में रहती हैं, माँ बनारस में रहती हैं और वो खुद दिल्ली में है। मनोज बोलते हैं कि सबसे खराब टाइम एक दिन में वो रात होती है क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि वह दिन भर के काम के बाद अपने परिवार से मिले। मैं मनोज तिवारी जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके आगे के करियर के लिए। अगर दोस्तों कुछ ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।